मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ मोट द नॉन सेंस ऑफ मोटिवेशनल स्पीचर्स मतलब uh, uh, मतलब आजकल आजकल हम घिरे हुए हैं मोटिवेशनल स्पीकर से जहाँ भी जाओ मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग उनको लाइक like करते हैं लोग उनको लोगों को प्रेस करते हैं लोग उनको पैसे देते हैं बहुत पैसे कमाते हैं वो लोग और उनकी भाबा भी होती है और ये सिर्फ हमारे नॉन डिवोटीज ही नहीं जो आउट हमारे भक्त भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहे हैं लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा बट बट ये सब नॉनसेंस है इससे कोई फ़ायदा नहीं है ना सुनने वाले को फ़ायदा है ना बोलने वाले को फ़ायदा है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं बताऊँगा और मैं नहीं कह रहा कई लोगों ने इस पर रिसर्च इस की और उन्होंने कहा है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं इससे बल्कि हार्म ही है ये इससे बल्कि डिज़ास्टर ही है तो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर एटलीस्ट पांच प्रॉब्लम्स हैं पहली प्रॉब्लम है कि मोटिवेशनल स्पीचेस ये सारी सब ये सारा शब्द का जाल है शब्द जाल है माया जाल है और कुछ नहीं है आप सोच के देखिए भाई अगर भैया किसी को मोटिवेट होना है तो क्या चाहिए मतलब कुछ भी काम करने के लिए कुछ भी अचीव करने के लिए लाइफ में क्या चाहिए आपको चाहिए उत्साह चाहिए निश्चय चाहिए धैर्य चाहिए यही चाहिए ना बस हार्डवर्क चाहिए बस और क्या चाहिए हाँ पास है तो आप कर सकते हो अब मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कहेंगे वो इसी चीज़ को अलग अलग ढंग से कहेंगे उत्साहित होने के लिए कई स्टोरीज़ हैं कई तरीके हैं बोलने के करोड़ों तरीके से बोल सकते हो आप ये चीज़ और उसी के पैसे कमा रहे तो शब्द जाली तो है अगर ये तीन चार शब्द बोलेंगे तो उनको पैसे कौन देगा वो बोलेंगे क्या तो अलग अलग तरीके से वही बेकार धकियानूसी चीज़ बोलते रहते हैं और इसलिए कई लोगों को तो मोटिवेशनल स्पीचेस से Uh, को सुनने में डीमोटिवेट हो गए कई लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड कहते हैं यार फिर से बोलने गए so, सो ये शब्द का जाल है और दूसरी बात यह है कि कि मोटिवेशनल स्पीकर्स ये तो बोलते हैं क्या 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 करना है मतलब uh, मतलब uh, बोलते तुम कर सकते हो तो कहते हैं बट प्रॉब्लम ये है uh, ये कभी नहीं बोलेंगे कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते बस ये बोलेंगे कर सकते हो क्या कर सकते हो वो भी नहीं बोलेंगे और क्या नहीं कर सकते वो तो बोलेंगे ही ये बोलेंगे जो कर रहे हो कर सकते हो और ये बहुत जरूरी पॉइंट है क्या नहीं कर सकते वो भी जानना जरूरी है हम सब कुछ नहीं कर सकते ये भी स्वीकार करना जरूरी है भगविता में लिखा है पराधर्मा धर्म हो सकता है कि आप सोच लो मैं सब कुछ कर सकता हूँ और करना शुरू कर दो और आपने कर भी लिया सही से फिर भी आप हार गए क्योंकि आप अंदर से परेशान हो जाओगे आपको स्वभाव ही नहीं है करने का जैसे मैं हूँ मैं 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 म्यूज़िक नहीं बना सकता मुझे पता है मैंने ट्राई किया मुझसे नहीं हुआ आप कहो नहीं नहीं ट्राई कर सकते ट्राई करो कर सकते हो हो सकता है मैं लड़ झगड़ के कुछ कर भी लूँ मगर मेरा स्वभाव ही नहीं, मैं नहीं है मैं नहीं कर सकता मैंने स्वीकार कर लिया नहीं कर सकता मैं क्यों करूँ मैं क्यों करू? हर चीज़ करता रहा मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ मैं जो कर सकता हूँ वो कर लूँगा दैट्स ऑल मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स कहता हूँ सब कुछ कर सकते हो तुम बेस्ट पर्सन बन सकते हो ये बिल्कुल गलत है इसी से स्ट्रेस आता है फिर इसलिए से यूथ्स में स्ट्रेस आ रहा है इसी से लोगों में स्ट्रेस आ रहा है सुन सुन के चीज़ें और तीसरी बात ये वैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स ये सब चीटर्स हैं क्योंकि भाई अगर क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स ये तो नहीं बता रहे कि आपका गोल क्या है गोल तो आपका जो है वो है वो नहीं बताएंगे गोल गोल सेटिंग नहीं करते वो गोल तो आपके पास है जो सुनने आ रहे हैं आपका गोल आपका ठीक है आपका ठीक है जो गोल है उस गोल को प्राप्त कैसे करना है उसको भी उसके लिए भी कोई प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं देंगे एक सॉलिड प्रैक्टिकल एडवाइस वो कोई नहीं देते बस ये बताएंगे जो भी गोल है जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो जो भी तरीका है आपका हम ये बताने आए हैं कि वो तरीका आप कर सकते हो गोल को अचीव कर सकते हो यू कैन जस्ट डू इट ये कहते हैं यू कैन मेक इट वो बस लोग के चारों तरफ घूमते रहते हैं अब भैया अगर यही सुनना है तो हमारी माँ ज़्यादा अच्छी थी हमारी गर्लफ्रेंड बोल सकती है हाँ तू कर सकता है भाई तू कर सकता है मैं तेरे साथ हूँ हमारे फ्रेंड्स बोल देंगे माँ कहेगी बेटे तू कर सकता है उसी से हो जोश आ जाएगा और क्या होगा <laughs> हमारे माता पिता बचपन में ही बोलते थे मेहनत करो कभी भी मायूस मत हो है नहीं यही बोलते थे ना आगे बढ़ो और हम करते थे ये मोटिवेशनल स्पीकर्स कहाँ से पैदा हो गए वो पैदा इसलिए हो कि माँ बाप की सुनने वाला कोई नहीं है किसी की नहीं सुनेंगे <laughs> बस पॉइंट यहाँ पर ही है और और इससे एक और नई प्रॉब्लम आती है क्योंकि क्योंकि वो गोल नहीं बदलते लोगों का और नहीं बताते हैं गोल को कैसे अचीव करना है एक प्रैक्टिकल सॉलिड पॉइंट नहीं होता उनके पास वो हो भी नहीं सकता क्योंकि वो उस फील्ड के है ही नहीं सारे फील्ड थोड़े ना जानते हैं वो बिजनेसमैन को भी बोल रहा है मोटिवेट कर रहा है वो वो एक एक ठेले वाले को मोटिवेट कर रहा है स्टूडेंट को भी कर रहा है वो वो कौन सा वो कौन सा उसने हर कॉलेज हर पीएचडी हर बिजनेस किया है वो तो उस फील्ड में रहने वाला बहुत आ सकता है प्रैक्टिकल एडवाइस प्रैक्टिकल एडवाइस भी नहीं है तो वो वो तो बस मोटिवेट करता है तुम कर सकते हो उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छाई को भी मोटिवेट कर रहा है बुराई को भी जो व्यक्ति के तो एक व्यक्ति टेररिस्ट है उसने सुना तुम कर सकते हो हाँ ये है मैं मुझे बहुत कम कॉन्फिडेंस था मैं तो एक आ भी नहीं मार सकता था अब मैं चार को मारूंगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो <laughs> ये हो जाएगा और पांचवा पॉइंट है कि सबसे गंदे मोटिवेशनल स्पीकर्स सबसे नाली के कीड़े जो हैं मोटिवेशनल स्पीकर कम उस कम नहीं होता जो जो नाली के ऊपर झाग जमी रहती है वो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स वो हैं जो शास्त्रों को इस्तेमाल करते हैं दूसरों को मोटिवेट करने के लिए सबसे गंदा काम करते हैं अब हमारे शास्त्रों गीता को इस्तेमाल करते हैं बाइबल को इस्तेमाल करते हैं दूसरों को मोटिव देखो गीता में लिखा है पैसे कैसे कमाए गीता में लिखा है लीडरशिप क्वालिटीज़ अब प्रॉब्लम वहाँ पर ये ना कि ये तो भगवान के प्रति और शास्त्र के प्रति अपराध है आप मैसेज चेंज कर रहे हो मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप इंग्लिश सिखाने गए कैसे इंग्लिश सिखा रहे हो साइंस की बुक से हाँ साइंस की बुक से मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ मतलब मान लीजिए तो आपने कोई किताब लिखी साइंस की और दूसरा आदमी लेक्चर दे रहा है ये बुक बेस्ट बुक है इंग्लिश सीखने के लिए आपको कैसा लगेगा कहोगे भाई इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा ना इंग्लिश में लिखी है इंग्लिश सिखाने के थोड़ा ना लिखी है है तो साइंस की किताब तो भगवान के प्रति अपराध है भगवान को अच्छा नहीं लगेगा और वैसे भी मोटिवेशन स्पीकर शास्त्रों से इधर उधर श्लोक निकाल के पूरा संदेश अपने आप इधर उधर से निकाल के खींचा तानी करके अपना मैसेज उसमें डाल के और लोगों को बेफकू बना रहे हैं भगवान का हर श्लोक गीता में हर श्लोक का एक ही संदेश है मेरी शरण लो और भक्ति प्राप्त करो मगर इधर से तो जो श्लोक उठा के आप उसके तो कुछ भी मतलब निकाल सकते तो ये तो गीता के हाथ खेलना हो गया तो ये लोग तो अपराधी हैं और लोग ये लोग हिपोक्रेट्स हैं और इनकी जो सुनेगा वो भी अपराधी बन जाएंगे इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ये मोटिवेशनल स्पीकर्स के चक्कर में मत पढ़ो ना इनकी प्रशंसा करो ना आप सुनो हाँ मैं मना नहीं कर आपको मोटिवेट होना पड़ता है हम कभी कभी डिप्रेस होते हैं तो मोटिवेट होने के लिए माँ के पास जाओ भाई हार्ड वर्क करो लगे रहो है नहीं धैर्य रखो उत्साह रखो बस आपका आ जाएगा फ्रेंड से पूछ लो वो कर देगा आपको मोटिवेट और बेस्ट है कि आप कभी मायूस ही मत हो और उसका तरीका है कि भगवान से जुड़ो भगवान से जुड़ने से आत्मसंतुष्टि आती है जब आदमी आत्मसंतुष्ट होता है उसका माइंड क्लियर होता है तो उसको सारी चीज़ें ठीक ठीक दिखाई देती हैं और जीवन में कभी भी शोक और मायूस नहीं होता वो तो बेस्ट है अगर आप वो कर लो वो तो बताएंगे नहीं कभी मोटिवेशनल स्पीकर क्योंकि भगवान तो पिक्चर में ही नहीं है सो so, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ा दिमाग खोल के जो मैंने बोला है थोड़ा सोचिए इस पर और ये मोटिवेशनल स्पीकरस मोटिवेट मत तू ये मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनने के लिए हरे कृष्ण